हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन टेलरिंग में। तो आज का ये पहले मैंने पेटीकोट का कटिंग था, आज ये आपको स्टिचिंग बता रहा हूँ कैसे सिलते हैं पेटीकोट। दोस्तों पहले आपको लगाना है ये झल्लर आपको, तो आपको मैंने ये कटिंग करके दिखा दी थी, तो आज मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों पहले आपको अपनी अपने इस झल्लर को सेट करना है, ये दो आपने टुकड़े काटे थे झल्लर के, इसको सेट करना है आपको। इस तरीके से आपको इसको जोड़ लेना है, फिर इसमें आपको सिलाई फेर लेनी है। और उसके बाद आपने जो कपड़ा काटा था उसके ऊपर आपको ये सेट कर देना है इस तरीके से। इसको ये आपको प्लेट डाल देनी है ये इसमें, इस तरीके से आपको इसमें प्लेट डाल देनी है। ऐसे आपको डालते जानी है प्लेटें, इतना हो सके आप इसमें प्लेट डालते जाएं जिससे कि और अच्छा ही लगती है। आपको इसमें आराम आराम से प्लेट डालते जानी है। तब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक आप इसमें प्लेट डालते जानी है, काफी टाइम लगता है दोस्तों प्लेट डालने में, तो आप इसमें डालते जाएं जब तक ये कपड़ा पूरा ना हो जाए। आराम आराम से डालते जाएं, कोई गलती ना करें प्लेट डालने में, कहीं छूटे भी ना। और इसमें अच्छा प्लेट डाल लें आप, चाहे तो तरीके एक साथ डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार सिल रहे हैं तो इसमें आराम आराम से आप एक एक करके प्लेट डालते हैं वन बाई वन। इस तरीके से आपको इसमें प्लेट डालते हैं, तो दोस्तों ये आपकी लग गई झल्लर। इस तरीके से आपको इसमें प्लेट डालते डालते इसमें झल्लर लगानी है आपको।
और दोस्तों आपको फिर इसके ऊपर से आपको इसके ऊपर सिलाई फेर देनी है, जिससे ये कपड़ा इसके नीचे दब जाए। आपका जो आपने डाली थी उसमें प्लेट है, उस तरीके से आप सिलाई फेर दें इसके ऊपर। आपको इधर ध्यान रखना है, आपका जो कपड़ा है नीचे का वो दबना चाहिए जब सिलाई फेरते हुए। तरीके से आपको इसके ऊपर से सिलाई फेर देनी है। फिर आपको ये कपड़े को इस तरीके से आपको ये फोल्ड कर लेना है ये, और फिर आपको ये सिलाई इसके ऊपर फेर देनी है। दोनों बराबर होने चाहिए। तो आपको ज़्यादा भी छोड़ देना है, लगभग 4 आंगुल आपको ये पहले से छोड़ देना है इस तरीके से, और फिर आपको इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ये डबल बार, जिससे कि इसमें नेफा लगा लें और आसानी भी होगी नेफा लगाने में। इस तरीके से आपको ये कर लेना है फोल्ड। फिर आपको इसके ऊपर सिलाई फेर देनी है फोल्ड कर कर। इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरा जो साइड है उसका उसको भी इस तरीके से आपको फोल्ड करके सिलाई फेर देनी है। अब दोस्तों इसके ऊपर या ये बचा हुआ है जैसे आप इसके ऊपर सिलाई फेर देंगे, डबल सिलाई फेरना है आपको मजबूत। इस तरीके से दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर आपको डबल सिलाई फेरना है, जिससे कि ये मजबूत रहे। फिर आपको इसके ऊपर सेट करना है आपको नेफे को, जो हमने कटिंग में काटा था पहले, तो इसको तो दोस्तों इसको नेपे को भी आपको जो आएगा जो साइड है पहले इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है आपको। और इसी तरीके से आपको ये दूसरा साइड है आपका ये, इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फिर इसके ऊपर आपको ये सेट कर देना है, इसके ऊपर आपको ये सेट कर देना है इस तरीके से, और इसके ऊपर भी आपको इस तरीके से ये प्लेट डाल देनी है, और उल्टी लंग को जो उल्टी साइड है उसका उस तरह आपको ये प्लेट डाल देनी है। ये आपका ये नेफा है, इसको इस तरीके से आपको सेट करना है इसको उल्टी साइड,
और फिर इसके ऊपर आप प्लेट डालते हैं वन बाई वन। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ये प्लेट डाल रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी डालनी है इसमें प्लेटें। इसमें आपको मतलब हल्की हल्की प्लेटें डालनी है जिससे कि पता चले कि हाँ इसमें प्लेटें डली हैं। इस तरीके से और पूरी मशीन में आ जाइए, आपकी प्लेटें हैं पूरी। तो नेपा आप इस पूरे नेपे में आने चाहिए आपकी प्लेटें हैं जितने भी आप डाल रहे हैं वो। इस तरीके से आपको डाल देनी है। आपको ये सिल देना है पूरा ये नेपे डालते हुए। पेटीकोट में ये आपको ये नेपा लगाते समय इसमें प्लेट डाल देनी है, पूरे पेटीकोट में ये नेपे में प्लेटें आ जानी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अभी आप जब नेपा की कटिंग करते हैं ज्यादा और आपको ये पूरा प्लेटों से ही घेरना है। जिस तरीके से आपकी जो झल्लर होती है वो काफी बड़ी होती है और नेपे का कपड़ा है वो कम होता है, तो आपको ये पूरा इसमें डाल देना है गियर को इस तरीके से। दोस्तों ये नेपा लग गया है, तो इस तरीके से आपको नेपे को लगा लेना है इसमें डालते हुए। आपको ये चूड़ियों को ये आपको ये डाल रहे हैं आप इसमें ये प्लेट है इस तरीके से, सॉरी ये प्लेट डालते हुए आपको, और आपको फिर आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इसको इस तरीके से, फिर आपको इस पर सिलाई फिर देनी है। आपको ये इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और इसके ऊपर सिलाई फेरते जाएं। आपको ध्यान रखना है आपको जब सिलाई फेरें तो आपका जो सिलाई फेरते समय इसके ऊपर ही आना चाहिए जो आपने सेट किया है इस नेपे को। इस तरीके से आपको सिलाई फेर दी है। इसमें
इसमें आप ज़्यादा गलती ना करें दोस्तों, सब्सक्राइब करते समय आप कहीं छोटा या बड़ा ना कर दें, आप इसमें ध्यान रखना है, बराबर लेना चाहिए। इस तरीके से आपको फेर देना है। फिर से आपको ये इसमें सिलाई फेरना है। तो आपको इसमें डबल सिलाई फेरना है जिससे कि ये मजबूत रहे, आपका ये नेफा है। और इससे आपका पेटी कोटे को ब्यूटी भी लगने लगेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर सिलाई फेरना है, इस तरीके से दूर सिलाई आपने पहले नीचे करा था, ये ऊपर फेरना है। दोस्तों ये हो गया है हमारा ये तैयार पेटीकोट इस तरीके से। तो दोस्तों आप नारा तो बनाने जानते ही होंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप हमसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पेटीकोट हमारा सिल गया है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा पेटीकोट सिल गया है। दोस्तों मैं इधर ज़्यादा कुछ तो कहना था नहीं, पेटीकोट में ज़्यादा बोला भी नहीं, मैं इसमें सिंपल था। तो दोस्तों मैं भी काफ़ी बोर हो गया हूँ, तो आप भी इसको देखेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं अभी तो आप भी लगता है आपको थोड़ा बोरिंग तो लगेगा, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और कैसे भी कीजिए उस लाल बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। आज के इतना ही, मिलते अपनी अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।